हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर लाला का मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। जिसने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। 53K सब्सक्राइबर हो गए हैं, 53,000 में सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस इनको बोले के अभी ना 60,000 सब्सक्राइबर करो, वो कर रहे हैं बिल्कुल। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं हम सूरत सिटी, भाई सूरत वाले कहाँ पे छुप के बैठे हो, ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। स्काईलाइन व्यू भाई, ये जो है ना इंडिया का जो सिंगापुर जिसको बोला जाता है, सिंगापुर आपको पता है कि कितना ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ये सिंगापुर से भी ज्यादा डेवलप्ड दिख रहा है मुझे अभी इंडिया में। हाँ, इंडिया में है सूरत सिटी। हमें वो देखेंगे, प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए वेलकम बैक टू अगेन गाइस, मैं चैनल अभी जब मैं सामने देख रहा हूँ डेवलपमेंट की राह पर जाता हूँ एक शहर, इंडिया का 9वां सबसे अमीर शहर और गुजरात का दूसरा अमीर शहर, इसका नाम है सूरत। आज की वीडियो पूरी इसी के ऊपर है, मैं आपको पूरा सिटी टूर करवाऊंगा और जानेंगे कुछ फैक्ट्स। वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना गाइस, कि मुझे हिम्मत मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे कंटेंट और लाता रहूँ आपके लिए। मेरे सामने आप जो रुके किस हिसाब से सूरत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, वीडियो को आप एंड तक देखना। गाइस मुझे सिटी के जो है ना सर्कल वो बहुत ही प्यारा लगे, और अभी आप मैं सामने नहीं देखिए गाइस व्यू डबल सर्कल पूरा रिंग रोड बना रखा, जैसे जैसे आउट ऑफ इंडिया में होता है ना उस हिसाब से। देखिए मैं आपको पूरा टूर करवाने जा रहा हूँ, ग्रोथ हो रहा है। मुझे यहाँ के ब्रिज काफी अच्छे लगे और यहाँ के जो नगर निगम है ना वो देश के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक में शामिल होती है। गाइस वैसे तो जो सूरत सिटी है ना इसको डायमंड सिटी कहा जाता है, मम्मी को बोल रही थी यहाँ पे डायमंड तराशे जाते हैं, तो इसको इस हिसाब से हम द सिटी ऑफ ब्रिज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर हर दो दो किलोमीटर के बाद आपको फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। और ये सामने देखिए सूरत सिटी गाइस, नीचे भी गाड़ी चल रही है, नीचे भी ऊपर, मतलब ये जो है पाकिस्तान में सच्ची में एक भी ऐसा नहीं है, मैंने तो देखा इधर सूरत का, इसकी बराबरी में बोलूं कोई सिटी नहीं है पूरे इंडिया में। बहुत से शहर है गुड़गांव वगैरह वो सब आगे, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये भी डेवलपमेंट हो रही है। और वैसे देखिए एक बिल्डिंग भी है वो भी काफ़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे बिल्डिंग भी, और इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी थी। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उस बाजू से, देखिए ये ब्रिज पूरा वहाँ तक जा रहा है, यानी इसकी लंबाई कम से कम होगी 5 या 6 किलोमीटर तक, और देखिए कुछ इस हिसाब से बना हुआ। और ये है तापी रिवर का केबल ब्रिज, देखिएगा इस कितना खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, और ये पूरा खूबसूरत सा केबल ब्रिज। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वो केबल ब्रिज जाने का जो होता है ना रास्ता वो, और यहाँ के रिंग रोड, यानी कि देखो नीचे से गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतनी क्लीन सिटी। और गाइस सूरत जो है ना सिटी, इसको तीसरा नंबर मिला हुआ है स्वच्छता के मामले में अपने देश के अंदर, भारत की तीसरी सबसे साफ सिटी है। गाइस देखिए किस हिसाब से बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेड़ पौधे, ग्रीनरी, और गाइस जो यहाँ के ब्रिज है ना वो काबिल तारीफ है। मतलब गाइस सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा ना कि गाइस जैसे मतलब इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और जैसे किसी बाहर जगह में आ गया, वही लगता है यार। ऐसा लगता है कि मतलब मराठी लोग आपको ज़्यादा देखने को मिले, गुजराती लोग आपको ज़्यादा मिले, हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पर। और सामने देखिए वो है केबल ब्रिज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये है रोड वहाँ पे जाने के। सो गाइस अभी मैं आपको घुमाता हूँ थोड़ा सा पैदल, ताकि आपको कुछ लगे कि जो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो गाइस मैं आपको पैदल घुमा रहा हूँ यहाँ का, मैं आपको दिखाऊंगा सर्कल किस हिसाब से साइकिलिंग के ट्रैक बना रखे हैं, और गाइस किस हिसाब से यहाँ पे रोड का क्रॉसिंग कर रखा है, और किस हिसाब से यहाँ पे बाहर का कंट्री लग रहा है हमारे लिए, तो बाहर का ही काम होता है। तो वो आप देखिए, वो तो है गाइस, देखो साइकिलिंग का ट्रैक अलग से ही दे रखा है साइकिलिंग का ट्रैक। ओके देखिए सब जगह से यहाँ से होते हुए पूरा जा रहा है साइकिलिंग ट्रैक। और वो देखिए वो सारे ऐसे तो दुबई में बनाए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है और ये फ्लैट्स, और ये है मेन सर्कल यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी क्लीन सिटी है सूरत गुजरात। सो गाइस आपको एक बात पता है, यहाँ के जो एक शहर का जो परिवार है ना सूरत सिटी का, उसकी औसतन आय 4,50,000 है प्रति वर्ष, क्या ये आपको बात पता थी? अच्छा जी। और गाइस सूरत हीरो का शहर है, अरबों रुपए का कारोबार होता है, और दुनिया के 95% रफ डायमंड यहाँ पे काटे और पॉलिश किए जाते हैं, यानी 95% यानी आप समझ लो ना वो सूरत में ही होते पूरी दुनिया के डायमंड। सूरत व्यापार के अंदर ना हीरो के व्यापार में कुल राष्ट्रीय
निर्यात डायमंड किड्डा को महंगा होता है पता ही है। और यहाँ बिजनेस कभी नहीं रुकता, चाहे किसी भी मौसम में आप आ जाओ आपको बिजनेस कभी रुकता हुआ नहीं दिखेगा। और कैसे यहाँ की पॉपुलेशन में तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से देख के जो मतलब शहर है ना उसके बाहर इस तरीके से एरिया डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि फ्लैट ही फ्लैट लाइक मतलब चाइना टाइप जापान टाइप अलग अलग टाइप से बिल्कुल प्लान करके ये सारे के सारे एरिए बनाए जा रहे हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से एरिया रेडी किया जा रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी इंटरनेशनल डायमंड मार्केट हब भी बन रहा है सूरत बॉर्स करके, तो वो वीडियो भी आप देखना तो आप समझ जाओगे कि सूरत किस हिसाब से रेडी हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के लिए। और अगर जो हरियाली पे हम लोग काम कर रहे हैं ना पेड़ पौधे के ऊपर, वो अगर दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं कर रही है, मैं हर वीडियो में मेरी बात बोलता हूँ और आप खुद ही हमें हरियाली बड़ी है इंडिया च ना, हर शहर च ना हरियाली बड़ी वो रहा वो इंटरनेशनल डायमंड मार्केट देखिए। और इसके जस्ट थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर पहले सारे फ्लैट ही फ्लैट और प्लान करके रोड वगैरह बनाए गए हैं। ये एरिया पूरी तरीके से प्लान करके बनाया गया, आज से 10 साल पहले इसकी प्लानिंग करी गई थी और अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है ये एरिया। और बस एक बात और है कि इंडिया की नहीं दुनिया की तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक आता है वो सूरत। देखिए किस हिसाब से गैस फ्लैट ही फ्लैट और बिल्डिंगें बनती जा रही है गैस। और कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है कुछ समझ नहीं आता, ठीक है कुछ नहीं आता, तो इसमें खुद ही आके आप देखिए। अभी मैं आपको रोड से भी टूर करवा रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे तुम तो खाली VIP एरिया दिखाए, तो अभी मैं आपको रोड से भी टूर करवा रहा हूँ सारा VIP एरिया पूरा रोड से टूर करवाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा सूरत किस हिसाब से रेडी हो रहा है और किस हिसाब से पेड़ पौधे और किस हिसाब से सफाई का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। और गैस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना गैस, ताकि मैं ऐसे ऐसे कॉन्टेंट और लाभ आपके लिए, वीडियो को शेयर जरूर करना और भी लोगों में, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि किस हिसाब से अपना देश आगे बढ़ता जा रहा है और जो मेरी जो है ना सोच के हम लोग सबको बीट करेंगे तो वो भी पूरी। यार मैं इंडिया के हर शहर में जाना चाहती हूँ। और गैस यहाँ से अरब सागर है ना वो खाली 20 किलोमीटर ही दूर है, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको घूमना हो ना तो घूमने के लिए भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, लाइक गोपी तालाब हैं और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ऐसा मतलब ये मुझे शहर है ना ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर ही चल रहा हूँ। हर 1 किलोमीटर के बाद एक ब्रिज देखिए, हर 1 किलोमीटर के बाद एक ब्रिज देखिए, कुछ लोग हाई भी कर रहे थे और यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब अच्छा शहर है। यहाँ पे खाना पीना भी अच्छा है, यहाँ पे आप एक बार ट्रैवल करना जरूर आना अगर आप किसी बाहर स्टेट से हो तो। अभी देखना ये जो ये टेम्पो वाला ना फिर मुझको हाई करके जाएगा, अब मेरी इससे कुछ पहचान भी नहीं है लेकिन मतलब लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं यार ये देखिए, मतलब कितने स्वीट लोग हैं। ब्रिज लेकिन उस ब्रिज के नीचे किस तरीके से बैठने का बनाया गया और किस तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखिए, प्लान करके गार्डन को कटिंग करके बनाया गया काफ़ी अच्छा। और वैसे ही यहाँ पर नाइट व्यू देखिए आप किस तरीके से नाइट व्यू दिखता है, काफ़ी चमचमाता हुआ शहर है किस तरीके से, मतलब मुझे क्या ऐसा लगा जैसे मैं थोड़ा आउट ऑफ सही बात लग रहा है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर तो ऑटो चल रहे वगैरह, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में टुक टुक चल रही है बिल्कुल ऐसा ही फील होता। और ये यहाँ का मार्केट है आप देखिए, यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट है बहुत सौ रेट में आपको मिल जाएंगे और यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा है, ये शहर रात के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस टाइम पे ये पूरा जगह देख लीजिए उनका सर ट्रैफिक ये सब जा रहा था डायमंड मार्केट की ओर, क्योंकि 8 बजे बाद डायमंड मार्केट पूरी तरह से खुल जाता है। और ये है यहाँ की लोकल बसें जो कि AC वाली रहती है सारी बसें, ये यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर मेट्रो के ऊपर भी काम चालू है अभी, तो आप आने वाले टाइम में आपको मेट्रो बसें सब कुछ देखने मिलेगा। और ये तो आप सब लोगों को पता ही है ये इंटरनेशनल डायमंड मार्केट हब जो कि आने वाले टाइम में बनेगा और इसका नाम है ड्रीम सिटी, एक तरीके से प्लान करके शहर को बनाया गया और गुजरात का तीसरा स्मार्ट शहर है और इंडिया के स्मार्ट शहर में एक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बोलता हूँ मैं सीधे में जब तक अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद जय भारत। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो अम्मी बहुत प्यारा सिटी है, मैंने अम्मी को ना ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया कि अम्मी ये डायमंड सिटी है, यहाँ पे ना दुनिया के मतलब सबसे ज्यादा जो डायमंड है ना यहाँ पे मतलब कारोबार यहाँ पे होता है, तराशे यहाँ पे जाते हैं क्योंकि जो इसको डायमंड सिटी बोला जाता है, आप समझ लें डायमंड सिटी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सिटी जैसा कि आपने देखा ही है, कितना मतलब लग रहा था कि भाई इंडिया में ये सिटी है, लग रहा था कि कोई फॉरेन कंट्री में बैंकॉक थाईलैंड, सच्ची में वो फील
फीलिंग आ रही थी मुझे एक, मतलब ये जब रोड से चल रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे दुबई वाली फीलिंग आ रही है। तो क्योंकि मैं तो दुबई गई हूँ तो इस वजह से मुझे ना वहाँ जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं किसी और कंट्री गई होती जैसे कि बैंकॉक थाईलैंड ये वो, तो फिर मैं भी मुझे भी वैसी वाइब आती। तो यार सच्ची में रात का व्यू जब बारिश पड़ी हुई थी ना तो वो और भी खूबसूरत ना, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। तो उन्होंने ना ग्रीनरी, मुझे इंडिया के हर शहर में ये चीज सबसे अच्छी लगती है कि उन्होंने ना ग्रीनरी में हमें बड़ा इजाफा किया हुआ है। जब आप सच्ची में पोल्यूशन नहीं होती, इंसान की सेहत बिल्कुल, उन्होंने सेहत का बहुत ज्यादा इंसानों का ध्यान रखा हुआ है। इसके अलावा अम्मी आप किसी भी कंट्री या सिटी में जाते हैं वहां पे आप जब जाते हैं तो लोग अच्छे ना हो तो आपका आपको ना जितना मर्जी खूबसूरत सिटी क्यों ना हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ की सूरत जैसा कि उन्होंने दिखाया भी है कि हालांकि वो इंडिया से ही है, दूसरी सिटी किसी से आए हुए थे, तो वो हाय हेलो करके आपको इतने प्यार से जब मिलते हैं ना तो सच्ची में ऐसे सिटी में तो बार बार जाने का मन करता है, ऐसे लोग तो दिल जीत लेते हैं। अम्मी नहीं ऐसा होता क्या आप सोचती? हाँ, प्यारे 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 लोग हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, तो मतलब सिटी कैसा लगा? बहुत अच्छा, तो बहुत ऐसा है, हमने पता नहीं बाहर के मुल्क में जा पड़े हैं। हमारे लिए वैसे बाहर का कंट्री है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, कितनी कितनी मंजिले ऊंची है, सड़कें कितनी अच्छी थी, ब्रिज बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे ब्रिज बने हुए हैं। तो सच्ची में बहुत खूबसूरत सूरत सिटी लगा है। अगर आप अपने किसी सिटी पे जो देख रहे हैं चाहते हैं रिएक्शन तो बताइएगा, क्योंकि हम इंडिया के सभी सिटीज देखना चाहते हैं जो खूबसूरत है। वैसे तो सभी खूबसूरत है, लेकिन आप सब अपना अपना बताइएगा। तो इसी तरह से फिर आपको मिलता है एक और नई वीडियो में। बहुत पसंद आया सच्ची में, बहुत ही ज्यादा पसंद आया, सच्ची सबसे अच्छा लगा मुझे लोगों का बिहेवियर जो कि इम्प्रेस इंसान को सबसे पहले करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और नई वीडियो। थैंक यू।